हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड पे। फ्रेंड्स, इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट आ गए हैं, समझेंगे कि इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट कैसे हैं। साथ ही में इन्होंने बोनस भी दिया है, क्या कुछ बोनस दिया वो भी डिटेल से समझेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आउटकम आया था 27 मई को इनके उसमें बोर्ड की मीटिंग का, और इन्होंने क्वार्टर फोर के रिजल्ट डिक्लेयर किया है। यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेस पर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी हम कंपैरिजन करके आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे फाइनल रिजल्ट और फाइनेंशियल रिजल्ट, और साथ ही में यहाँ पे जो इन्होंने बोनस दिया है वो हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, बताया गया है कि क्या कुछ बोनस इन्होंने बताया। सबसे पहले इक्विटी शेयर का यहाँ पे जो बोनस है वो 30 करोड़ 24 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹1 फुल पेड अप अमाउंट टू 30 करोड़ 24 लाख, यहाँ पे ये दिया गया है अमाउंट। उसके बाद इन्होंने बोनस किस रेशो में दिया है, यहाँ पे इन्होंने बोनस दिया है 3:1 में। देखोगे तो ये रहा बोनस रेशो 3:1, मतलब जिसके पास एक शेयर है वो 3 शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और अमाउंट आपका सेम रहेगा, मान लो आपने खरीदा है ₹1 में एक शेयर, तो आपके ₹1 के 3 शेयर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे आपका रहने वाला है। उसके बाद बात करते हैं कि भाई इनके क्वार्टरली रिजल्ट क्या आए हैं और बोनस शेयर कब मिलेगा, ये भी आपको बता दूँ 2 महीने के अंदर ये मिलने वाला है। और यहाँ पे डेट भी दी हुई है 24 जुलाई, ठीक है। अब जानते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे आए हैं। यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए हैं और यहाँ पर जो भी अमाउंट है वो लैक में है। यहाँ पे बात करें इनकी टोटल इनकम की, टोटल इनकम आई है इनकी 1,41,138.464 लाख की। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी जो इनकम है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कम हो के आई है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी थोड़ी सी आपको गिरावट देखने को मिल रही। उसके बाद बात करें इनके जो एक्सपेंसिव हैं उनकी, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव कम हो के आए हैं, जो कि 1,44,738.27 के, और जो कि पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा थे, यहाँ पे 1,77,951 के आसपास के थे। भाई ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इनके जो एक्सपेंसिव हैं वो कम हो के आए हैं, जो कि 4,01,233 से, ये पिछले साल थे 5,244.07, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भाई और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी एक्सपेंसिव कम हो गया है, जो कि एक पॉजिटिव बात आप कह सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इनके जो प्रॉफिट है उसकी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉफिट लॉस आफ्टर, ये यहाँ पे इनका आया है भाई लॉस, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी भाई इनका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो के आया है। उसके बाद बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो अर्निंग पर शेयर भी भाई कम हो के आया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है -149.22, और पहले ये कुछ भी नहीं था, और ईयर ऑन ईयर बेस पे भाई बहुत अच्छी अर्निंग पर शेयर आई है, जो कि 90.92, और जो पिछले साल थी वो 15.07। भाई अर्निंग पर शेयर बढ़ के आई है तो अच्छी ही बात आप कह सकते हो, क्योंकि अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है EPS, मतलब अर्निंग पर शेयर कि एक शेयर पे आपने कितनी कमाई की है, जो कि काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है इस साल, और आप इसे एक पॉजिटिव वे में ले सकते हो। और जिसे भी बोनस चाहिए वो स्टॉक पे नज़र बना के रख सकता है, बाकी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। इनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो भी है, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इनके पास आप देखोगे तो अच्छा खासा कैश फ्लो भी है। यहाँ पे आप देखो पहले इनके पास क्या कैश फ्लो था और आप देखो इनके पास कितना अच्छा कैश फ्लो है, तो ये भी एक पॉजिटिव आप कह सकते हो। स्टॉक पे आप नज़र बना के रख सकते हो। और मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का मोटिव ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ है, मैं किसी को पर्सनल रिकमेंड नहीं करती कि आप स्टॉक में बाई करो, सेल करो या होल्ड करो।